परम गंभीर स्याद्वादा मोघलांचनम जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासन। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, श्री धर्म तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में जो यह प्रवचन माला आयोजित की गई है, उसके माध्यम से पूरे देश में जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, गुरुओं का वरद हस्त जब हमारे सिर पर होता है, गुरुओं की कृपा जब हमारे जीवन में होती है, तो हमारे जीवन के सारे अनिष्ट अपने आप टल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यदि गुरु केंद्र में हो, केंद्र स्थान चार होते हैं कुंडली के, उनमें यदि कहीं गुरु विद्यमान हो तो उस कुंडली के हजार दोष अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, हजार दोषों का निवारण हो जाता है। तो वो तो गुरु ग्रह की बात है, जिन्होंने अपने हृदय में गुरु को विराजमान किया है। जो लोग अहर्निश गुरु का स्मरण करते हैं, जिनकी सुबह गुरु की वंदना से होती है, जिनकी रात्रि गुरु के स्मरण के गुरु की आरती के साथ होती है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी प्रकार के अनिष्ट संकट या परेशानियों के बादल मंडराने की संभावना ही नहीं होती है। हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है जो हमारे लिए ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लिए अत्यंत समीचीन दिशा दिखाने वाले गुरु हैं। गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव श्री कुंथु सागर जी महाराज के वृक्ष पर ऐसे ऐसे फल लगे हुए हैं जो केवल मीठे ही नहीं हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कुछ फल होते हैं जो केवल मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, टेस्ट में अच्छे लगते हैं, किंतु कुछ फल ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के पेड़ के ये जितने भी फल लगे हुए हैं, जिनमें उद्भट विद्वान आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज, परम तपस्वी आचार्य श्री पद्म नंदी जी महाराज, प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री गुरुदेव देवनंदी जी महाराज, इसके अलावा हमारे धर्म तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, ऐसे ही कई नाम, नवग्रह तीर्थ प्रणेता गुणधर नंदी आचार्य श्री, ये ऐसे आचार्यों की श्रृंखला है, आचार्यों की कड़ियां हैं, जिनसे हमारी समाज के लिए निरंतर एक मोक्ष मार्ग की दिशा प्राप्त हो रही है, समाज के लिए एक अच्छी दिशा प्राप्त हो रही है। इन सभी आचार्यों के कृपाओं में जीने वाली समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त कर रही है, ये हम सबका महत सौभाग्य है। ऐसे आचार्यों की कृपा हम सबके लिए प्राप्त। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे आचार्यों का कितना बड़ा योगदान है। दीक्षा लेने के पश्चात यदि साधु चाहे तो केवल साधना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करने से कोई रोक नहीं सकता है। सभी साधु, जितने भी साधु हैं, वे साधु दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, स्वयं तक अपने आप को सीमित रख सकते हैं। किंतु वे आचार्य, वे साधु जो
केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रहे हैं, अपनी साधना को नहीं छोड़ते हुए, अपनी साधना अपनी आराधना को बरकरार रखते हुए जो समाज के लिए भी अपना समय दे रहे हैं। इसलिए तो मेरी भावना की वे पंक्तियां इन ऐसे गुरुओं के ऊपर बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होती। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। निरंतर विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, कभी किसी भी स्थिति में वे अपनी साधना से डगमगाते नहीं हैं, वो अपनी साधना में रहते हैं, विषयों की ओर कभी झुकाव नहीं होता है, और निज पर के हित साधन में अपना भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं, निश दिन तत्पर रहते हैं, अहर्निश एवरी डे जो अपना भी कर रहे, समाज का भी कर रहे, अपना भी कर रहे, तीर्थों का कर रहे, अपना भी कर रहे, जिनवाणी का कर रहे, जो एक साथ इन सभी प्रकार की सकारात्मक भूमिकाओं को निभा रहे हैं, संघ को देखते हैं, समाज को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं, साहित्य को देखते हैं, और इन सब को देखते हुए अपनी साधना को भी देखते हैं। देखिए पंच सकार हो गए, अपनी साधना स्वयं की व्यक्तिगत साधना, फिर संघ है, फिर समाज है, फिर संस्कृति यानी अपने तीर्थ है और साहित्य है। ऐसे पंच सकारों को जो अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं, ऐसे आचार्य ऐसे साधु हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। अपनी साधना को छोड़ते नहीं, संघ को बराबर संभालते हैं। 36 गुण समग्र के पंचमी आचार कर्ण संदरी से शिष्याणुग्रह कुशले धम्माये सदा वंदे, ऐसे धर्माचार्य को देखो, उसमें भी धर्माचार्य शब्द आया है। और धर्म तीर्थ प्रणेता हमारे आचार्य गुरुवर गुप्ति नंदी जी महाराज भी धर्माचार्य ही हैं। धर्म तीर्थ प्रणेता होने के साथ साथ वे धर्माचार्य भी हैं। धम्माये सदा वंदे, ऐसे धर्माचार्य को सदा वंदन हो। कैसे हैं वे? 36 गुण समग्र, 36 गुणों से शोभायमान है जिनका जीवन। पंचविहाचार करण संदरी से, और जो अपने आचार में आवश्यकों में लगे हुए रहते हैं, शिष्याणुग्रह कुशले और संघ को संभालते हैं। सबसे मुख्य भूमिका उनकी यहाँ दो जगह पे होती है कि वे अपनी साधना और संघ इन दोनों को पूर्ण रूप से मनोयोग पूर्वक संपूर्ण ऊर्जा के साथ संभालते हैं, उसमें वो किसी प्रकार की भी कमी नहीं आने देते हैं। साधना और संघ ये इनको प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद वे समाज संस्कृति और साहित्य इन तीनों का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे आचार्य इस संसार में दुर्लभ है। धर्म स्नेह बंधुओं, हमारे लिए ऐसे आचार्यों के उपकारों से कभी भी ऋण नहीं होना चाहिए, इनके उपकारों का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। कितना पूरा दिन लगा रहे हैं वर्तमान में ये लॉकडाउन में, पहले तो साधुओं को क्या था कि समाज में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, शहरों में रहते थे, एक बार प्रवचन दिया फुर्सत, फिर लोग दूसरे ही दिन आते थे, और अब देखिए केवल एक बार नहीं, लॉकडाउन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जब जब से आ गया है, हमारे सारे आचार्य हमारे सारे साधु संत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा उपयोग करते हुए सारा दिन समाज के लिए दे देते हैं। अपनी 3 टाइम की सामयिक, 2 टाइम का प्रतिक्रमण, अपना स्वाध्याय, ये करते हुए वे बाकी का सारा समय समाज को दे रहे हैं, उद्बोधन दे रहे, अभिषेक करवा रहे, शांति धारा करवा रहे, विधान पूजा करवा रहे हैं। आपके लिए, किसके लिए करा रहे बताइए? सिर्फ आपके लिए, कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। सभी जितने भी श्रावक हैं, समाज के जितने भी गुरु भक्त हैं, इनके नवग्रहों की बाधाएं टले, इनके किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, इनकी हर प्रकार से सुख समृद्धि और वृद्धि होती रहे,
इसलिए हमारे ये आचार्य सुबह से लेकर के 10 बजे तक आपको सारा समय दे रहे हैं और आपसे अभिषेक करवा रहे, पूजा करवा रहे, विधान करवा रहे, जाप करवा रहे, हवन करवा रहे। ये कोई कम कृपा है? ये साधु का करुणा हृदय है? आप ये नहीं समझे कि ये सिर्फ अपने तीर्थ निर्माण के लिए आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसी यदि किसी की धारणा है तो वो गलत सोच रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि केवल अपने तीर्थ का निर्माण या तीर्थ का संवर्धन करने के लिए ये सुबह से लेकर हमारे लिए इतना करते हैं, ऐसा विचार करने वाले बिल्कुल गलत विचार कर रहे हैं। ये उनका मिथ्या विचार है। यहाँ हमारे लिए गुरुओं की करुणा को देखना चाहिए, गुरुओं की कृपा को देखना चाहिए कि कितना उदार हृदय है, कितना विशाल हृदय है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया तो जो रोज अपने लिए अभिषेक पूजा विधान कर रहे थे, अब वो आप सबको लेकर के करते हैं कि हमारे साथ आप भी शामिल हो और आप भी शामिल होकर के अपने कष्टों को, अपने दुखों को आप स्वयं दूर करो। ये एक विशाल अंतकरण वाले, उदार अंतकरण वाले महामना आचार्य ही ऐसा विचार कर सकते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं, समाज के लिए जीने वाला आचार्य स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। यदि कोई आचार्य तीर्थ निर्माण कर भी रहे हैं तो तीर्थ का आयतन का निर्माण कर रहे हैं, ये आयतन बन रहा है। ये तीर्थ यानी एक प्रकार का जिनायतन है, सिद्धायतन है, आयतन का निर्माण कर रहे हैं। आगे आने वाली हर शताब्दी में जितनी भी पीढ़ियां होगी वो उसका लाभ लेने वाली है। आयतनों के निमित्त से धर्म की प्रभावना होती है, आयतनों के निमित्त से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आयतनों के निमित्त से जैन धर्म के संस्कार विश्व भर में फैलते हैं। इसलिए ऐसे करुणा हृदय वाले जितने भी हमारे आचार्य हैं और तीर्थ का निर्माण कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, पीढ़ियों का उपकार करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमारे लिए समझना चाहिए। ना कि इसमें किसी भी आचार्य का अपना कोई स्वार्थ है। वे तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, अपने लिए कम और दुनिया के लिए ज्यादा जी रहे हैं, सबके लिए अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग कर रहे हैं। ऐसे निस्वार्थ निस्पृह आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी महाराज के समान जितने भी हमारे आचार्य हैं, उनकी करुणा बुद्धि कृपा दृष्टि पर हमारे लिए दृष्टि डालना चाहिए, उनके विषय में हमें विचार करना चाहिए। कितना कितना अपने मानसिक संतुलन को लेकर के चलना पड़ता है। जो तीर्थों का निर्माण करने वाले आचार्य हैं, अपना स्वास्थ्य संभालते हुए, संघ को संभालते हुए, समाज को संभालते हुए तीर्थों का भी निर्माण कर रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थक जाते हैं, इंडस्ट्रीज बंद कर देते हैं, व्यापार से थक जाते हैं, किंतु हमारे आचार्य परोपकार करते करते नहीं थकते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही हमारे ये सज्जनों की, साधु संतों की विभूतियां होती हैं, अपने स्वार्थ के लिए किंचित मात्र भी नहीं होती है। बहुत ही आनंद होता है जब ये देखने को मिलता है कि आचार्य गुरुदेव श्री गुप्ति नंदी जी महाराज लगातार दो साल से कितने शिविर आयोजित कर रहे हैं, साधु संतों की प्रवचन माला आयोजित कर रहे हैं, इसके अलावा कितने साधु संतों की जन्म जयंती, उसके बाद आचार्य दीक्षा दिवस या दीक्षा दिवस कितने साधुओं की अपने चैनल के माध्यम से मना रहे हैं। ये कोई उदार साधु ही कर सकता है। जो संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, वे कभी अपने आप में दूसरों को समाने नहीं देते हैं। जो उदार अंतकरण वाले होते हैं, वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। ऐसे साधु संतों को समाज में पंथवाद अच्छा नहीं लगता है, ऐसे साधु संतों को समाज में पंथ भेद अच्छा नहीं लगता है, पक्षपात अच्छा नहीं लगता है, विघटन अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तीर्थों के निमित्त से या ये चैनल के निमित्त से समाज को एक जगह लाना, सबको एक सूत्र में बांधना, एक मत में ढालना, ये जो विशेष कार्य है ये आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी महाराज कर रहे हैं, अपने प्रवचनों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, आराधनाओं के माध्यम से और तीर्थ निर्माण के माध्यम से।
आसपास में कितने तीर्थ हैं, कचनेर जी हैं, जटवाड़ा जी हैं, वेरुल है, पैठन है, इस बीच में और एक धर्म तीर्थ का निर्माण हो रहा है। इन चारों तीर्थों की कड़ियों को जोड़ने वाला ये धर्म तीर्थ है जो धर्म से दुनिया को बांधने का कार्य करेगा। तीर्थों पे अचल मूर्तियां होती हैं, तीर्थ तो अचल तीर्थ होते हैं, किंतु उन तीर्थों पर चल तीर्थ यदि विद्यमान हो तो धर्म का उद्घोष होता है, धर्म धर्म का जयनाद सब जगह गूंजता है। तीर्थों पर यदि साधु संत हो तो फिर धर्म की और विशेष प्रभावना होती है, क्योंकि अचल तीर्थ बोलते नहीं है, मूर्तियां बोलती नहीं है, मंदिर बोलते नहीं है, बोलने वाले चलते फिरते तीर्थ यदि कोई है तो ये दिगंबर जैन मुद्रा के धनी हमारे आचार्य हैं, हमारे साधु संत हैं, ये बोल रहे हैं, इसलिए शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। शब्दों के माध्यम से ज्ञान जाता है, शब्दों के माध्यम से संस्कार जाते हैं, और नहीं मालूम कौन सा शब्द किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे, कौन सा मंत्र, कौन सा शब्द, आचार्य के द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द भी मंत्र के समान होता है। तो उनके वाक्यों में से, उनके प्रवचनों में से कौन सा शब्द, कौन सा मंत्र आपके जीवन के परिवर्तन में उपयोगी निमित्त बन जाएगा, हम कह नहीं सकते हैं। कोई भी शब्द आपके जीवन परिवर्तन में निमित्त बन सकता है, आपके बरसों से रुके हुए काम सलट सकते हैं, सारे विघ्न बाधाएं उनके शब्दों से, उनके मंत्रों से, उनके उच्चारण से दूर हो जाती हैं। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, ये जो ऐसे कृपावंत आचार्यों की प्राप्ति हमारे लिए हुई है, पूरे महाराष्ट्र में आज गंडहराचार्य गणाधिपति कुंथु सागर जी गुरुदेव के शिष्यों का बोलबाला है। एक तरफ हमारे गुरुदेव आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज जो नमोकार तीर्थ का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कल्पना को लेकर के चल रहे हैं, और सारे विश्व को उस नमोकार तीर्थ से जोड़ने का अनमोल कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे आचार्य गुरुदेव गुप्ति नंदी जी महाराज, वे भी धर्म तीर्थ के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में धर्म का डंका बजा रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस प्रचार प्रसार में कुंतु सागर जी गुरुदेव के सभी शिष्यों की अहम भूमिका है। कर्नाटक में गुंडर नंदी आचार्य श्री गुरुदेव हैं, राजस्थान में कनक नंदी जी आचार्य श्री हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र में आचार्य गुरुवर देवनंदी जी महाराज, आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी महाराज, ऐसे एक से बढ़कर एक धुरंधर आचार्य हमारे समाज के लिए प्राप्त हुए हैं। हमें इन सब आचार्यों के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते, हमारे यहाँ आता है एक अक्षर का ज्ञान देने वाले आचार्य को, गुरु को जो भूल जाता है उसके लिए कितना फल, कितना कटु फल भोगना पड़ता है ये हम कह नहीं सकते। इसलिए हमें कभी इनके उपकारों को भूलना नहीं है। जिन आचार्यों ने हमारे लिए हमारे दुखों के दिनों में हमारा साथ दिया है, हमारे अनेक विघ्नों को दूर किया है, अनेक कष्टों को दूर किया है, हमारी बाधाओं को दूर किया है, जब हमारे जीवन में काले काले बादल, संकट के बादल मंडरा रहे थे, उस समय जिन्होंने हवा बन करके उन सारे बादलों को वहां से हटा दिया और हमारे जीवन के सूर्य को चमका दिया, ऐसे गुरुओं के उपकारों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब वे हमारे लिए कोई हमारी ओर से अपेक्षा करते हैं तो उनकी अपेक्षाओं को हमें पूरा कर देना चाहिए, हमें उनकी अपेक्षाओं को, गुरु हमारे लिए करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी गुरु के लिए कुछ ना कुछ योगदान, सेवा हमारी ओर से समर्पित करें। कुछ ना कुछ नहीं, जो सच्चा भक्त होता है वो अपना सारा जीवन गुरु के लिए समर्पित कर देता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, गुरुदेव आपने हमारे लिए जो कष्ट, हमारे लिए जो मेहनत की, हमारे लिए जो कृपा बरसाई, हमारे लिए जो आशीर्वाद दिया, आपके कारण आज हम जीवंत खड़े हैं। इस प्रकार की अनुभूतियां जिनके जीवन में हैं, उन लोगों ने गुरुओं के लिए अपना तन मन धन और सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, उसे कहते हैं गुरु भक्ति। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त ने भद्रबहु आचार्य श्री श्रुत केवली जी की भक्ति की थी, वैसे ही हमारे लिए भी
गुरुओं का गुरुओं के लिए चंद्रगुप्त बनकर के हमारे लिए उनकी सेवा भक्ति और उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज एक प्रभावशाली आचार्य हैं। उन्होंने गणाधिपति गंडहराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा के संस्कार प्राप्त करके और वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में रह करके आप असीम ज्ञान को प्राप्त किया है, विशाल ज्ञान को प्राप्त किया है। एक तरफ गणाधिपति गंडहराचार्य श्री गुरुदेव के संस्कार, एक तरफ वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी महाराज का ज्ञान, उनके संस्कार, इन सारे संस्कारों को अपने जीवन में पाकर के उन्होंने एक अच्छे ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण किया है। वे केवल आचार्य नहीं, वे उपाध्याय भी हैं। वे केवल उपाध्याय नहीं, साधु भी हैं, क्योंकि आचार्य में ये तीनों गुण समाये रहते हैं। और वे केवल आचार्य उपाध्याय साधु ही नहीं, वे हमारे इस समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है, वे समाज की एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वे निधि है, निधि का खजाना है, कि उनके द्वारा अनेक युवाओं के लिए, अनेकानेक हजारों युवाओं के लिए जो है धर्म का मार्ग प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव हैं। मैं आज उनके दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में जो यह प्रवचन माला आयोजित की गई है, उसमें मैं उनके लिए अपनी भावभीनी विनयांजलि यहाँ से समर्पित करता हूँ। हम कर्नाटक में हैं, कर्नाटक में मंदारगिरी तीर्थ पर विराजमान है। यहाँ से मैं उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी विनयांजलि प्रेषित करता हूँ। और सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ कि हे आचार्य श्री, हमारे जो हैं थोड़े से दिन भर की दिनचर्या में, दिन क्रम में बहुत सारी क्लासेस वगैरह होती हैं। एक तरफ तीर्थ का जीर्णोद्धार चल रहा है, एक तरफ समवशरण का निर्माण चल रहा है, इस बीच में अनेक प्रवचन और क्लासेस हमारी होती हैं। इसलिए हम आपकी आज्ञाओं का परिपूर्ण पालन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। इसे हमारी उद्दंडता ना समझे और हमारे लिए सदैव क्षमा भाव लेकर के चले। हमें भी आशीर्वाद दे कि हम भी आपके समान समाज में धर्म प्रभावना कर सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। साधना के साथ साथ, आराधना के साथ साथ आपके जैसी प्रभावना करने का गुण भी हमारे लिए प्राप्त हो। मैं आज आपके आयु आरोग्य की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सदैव स्वास्थ्य और निरोगी काया बनी रहे और आपके द्वारा भरपूर धर्म की प्रभावना हो। जल्द से जल्द धर्म तीर्थ का संपूर्ण निर्माण हो और यह धर्म तीर्थ विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करने का केंद्र बने, ऐसी मंगल भावना भाते हुए मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की की जय, मनुष्य भक्त महाराज की जय। बहुत बढ़िया। हमारे मनुष्य मुक्ति जी बहुत ही अच्छी मंगल वाणी के धनी है। स्वामी जी आपको मेरा प्रति नमस्तु है। ये जो संयम उत्सव हमने शुरू किया था, 1 जुलाई को शुरू किया था और 1 जुलाई को इस धरा के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागर जी महामुनिराज का जन्मोत्सव था, वहां से शुरुआत की। और बीच में 12 जुलाई को गुरुदेव का जन्मोत्सव आया, आचार्य श्री कुंभ सागर गुरुदेव का दीक्षा उत्सव आया। 1 जुलाई को आचार्य शांत सागर जी का दीक्षा उत्सव आया, संयम उत्सव। 12 जुलाई को आचार्य कुंभ सागर संयम उत्सव आया, निर्मल सागर जी का आया, आचार्य श्री विद्या सागर जी का आया, अन्य आचार्यों का आया। 22 जुलाई को मेरा हुआ और अभी 1 अगस्त को फिर जन्मदिन भी रहेगा, इसके अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन सभी आचार्यों का संयम उत्सव है। और जो साधु हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और जिनने संयम को धारण किया है, वे हर दिन संयम को उत्सव के साथ जीते हैं। इसलिए साधु का साल का एक दिन का नहीं है, बल्कि एवरी डे संयम उत्सव है। जो अभी बहुत अच्छी चार लाइन हमारे मुंशी अमुक रखी कि विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के ही साधन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दुख समूह को हरने के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। हमारे मुनिष यमोकीर्ति जी भी निरंतर एबीसी ऑफ दैनिंद्र के माध्यम से प्रयासरत हैं और मुंबई जैसी माया नगरी को उन्होंने अच्छा जोड़ा है। वहां के अनेक अनेक युवाओं को जैनिज्म का काफी अच्छा गहरा अध्ययन कराया है। और यह भी जो आप देख रहे हैं नवग्रह तीर्थ का नवजीवन शांति जिनालय,
धर्म तीर्थ का नवजन शांति जिनालय विशाल जिनालय लगभग 20,000 स्क्वायर का जिनालय है। करीब आधे एकड़ का ये मंदिर है जिस मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और प्रतिमाओं के आपने भी दर्शन किए, पहाड़ का विहंगम दृश्य आपने देखा, हरियाली आपने देखी, प्राकृतिक शटाओं को आपने देखा। ये पहाड़ धर्म तीर्थ का पहाड़ है, यहाँ पर भी भगवान विराजमान रहेंगे। बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं हरियाली का और ये सब कुछ है। तो यहाँ स्वयं गुरुदेव आचार्य श्री कुंसागर गुरुदेव यहाँ पर आए थे सन 1998 में और उनका मन यहाँ भी तीर्थ बनाने का था, ऐसे यहाँ के लोगों भक्तों ने बताया और गुरुदेव के चरण पड़ गए तो ये तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। गुरु जहां चरण धर देते हैं, और एक कवि हुए सत्यनारायण सत्तन जो कि इंदौर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आचार्य दिगंबर जैन आचार्य, दिगंबर जैन आचार्य हो गए नंगे। उन्होंने कहा आचार्य भक्ति नंदी हो गए नंगे और जहां कदम रखा वही हर हर गंगे। जहां कदम रख दिया वहीं पर हर गंगे हो जाता है। तो आचार्य गुरुदेव श्री कुंसागर जी गुरुदेव यहाँ आए, उनके चरण पड़े, उनके ही नहीं बल्कि इस माटी पर इस जमीन पर जहाँ धर्म तीर्थ बन रहा है यहाँ पर जितने भी साधु हैदराबाद सोलापुर कर्नाटक से अडुल होकर के कश्मीर में आए या कश्मीर से अडुल गए, उन सभी आचार्यों के चाहे आचार्य शांत सागर जी हो, वीर सागर जी हो, महावीर कीर्ति जी हो, विमल सागर जी हो, समरूप सागर जी, सभी बड़े बड़े आचार्यों के चरण इस माटी को लगे। धर्म तीर्थ ऐसे स्थान पर है जो दिगंबर जैन साधुओं का पैदल साधुओं का हाईवे रोड है, इंटरनेशनल हाईवे रोड है। यहाँ संपूर्ण साधु पैदल विहार करते जाते हैं और इनके अलावा हजारों की संख्या में पद यात्री हर साल भगवान चिंतन बाबा के चरणों में पहुंचते हैं। उस माटी पर यह धर्म तीर्थ बना हुआ है। पंचकोशी के अंदर चार पांच तीर्थ है, पांचालेश्वर, राक्षस भवन, पैठन, कचनेर, जटवाड़ा, एलोरा, उसके बीच में धर्म तीर्थ है जो आपके लिए अध्यात्म हिल स्टेशन होगा, मेडिटेशन का स्थान बनेगा। हमारे अमुक कीर्ति जी भी बहुत अच्छी साधना और वेद जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। स्वर्ण बिलगुला के अनेक तीर्थों मंदिरों का जीर्णोद्धार आपने कराया, विशेष करके चामुंडराय बस्ती का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, मुझे वीडियो अपने हाथ में लिया, और तुमकुर मंदारगिरी का जीर्णोद्धार कराने में आप लगे हुए हैं। अनेक मंदारगिरी का बड़ा सौभाग्य है कि प्रमुख सागर जी, प्रणाम सागर जी और अब हमारे अमुक कीर्ति जी उसके जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। और साधु जहाँ पहुंच जाते हैं, जिस जगह पहुंच जाते हैं, वहां पर निरंतर प्रगति प्रगति होती है। बसंत आता है तो प्रकृति की उठती है और संत जहाँ विराज वहां संस्कृति की उठती है। आज तुमकुर का बड़ा सौभाग्य है कि जहां पर पहले आचार्य कुंसागर जी गुरुदेव गए थे और बहुत बड़ी प्रभावना वहां पर हुई थी, इस समय पिछले साल भी और इस साल भी मंदारगिरी तुमकुर में हमारे मुनि श्यामर कीर्ति अमुक कीर्ति जी और विशेष प्रभावना कर रहे हैं। मैं उनके लिए शुभकामना देता हूँ कि निश्चित रूप में आपके तरफ बहुत बड़ी प्रभावना हो रही है और आगे भी दिन रात चौबीस प्रभावना आपके द्वारा चलती रहे। मात्र देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर प्रभावना आपकी चल रही है, निरंतर आपकी आगे बढ़ती रहे, ये आपके लिए कामना है, शुभकामना आपके लिए है और आपके लिए वेलकम स्वागत है। आप जब भी यहाँ पर आए, विशेष करके धर्म तीर्थ के मंदिर में तो आपको आना ही आना है, आप यहाँ पधारेंगे और महान भाव। अगले शुक्रवार से अभी आप रुकिएगा, माता जी पुनः आप प्रवेशन आएंगे, जो आते हैं उनका आने पर ही वेलकम होता है, जाते समय पर उनका और विसर्जन किया था रिछड़ा करके। हाँ, दोबारा आपको आना है। कल हमारे बीच में मुनिश्री अमर कीर्ति जी आएंगे।